गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं क्लास 12 कॉमर्स बीएसटी के लिए और आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। इसके अंतर्गत आप मीनिंग, डेफिनेशन और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है मीनिंग, इसका अर्थ। मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग और इमोशनल विच मोटिवेशन एम्प्लॉयर टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। यानी मोटिवेशन क्या है? इंटरनल फील है, आंतरिक इच्छा है, एक भावना है जो क्या करता है, प्री डिटरमाइंड यानी पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, व्यक्ति को उत्प्रेरित करता है या प्रेरित करता है, उसको हम क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। इज इट क्लियर? डेफिनेशन की देखिए परिभाषाएं। स्टेनेवेस के अनुसार मोटिवेशन इज दैट फीलिंग विच चेंज द अर्ज ऑफ एन इंडिविजुअल दैट द आर मोटिवेशन टू वर्क। यानी मोटिवेशन क्या है? फीलिंग है, एक इच्छा है जो क्या करता है, विच चेंज इन अर्ज, यानी उस इच्छा को परिवर्तन करता है किसमें, व्यक्ति को क्या करने के लिए, कार्य के प्रति प्रेरित करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। सेकंड जो परिभाषा है वह है कुंडल के अनुसार मोटिवेशन इज ड्राइविंग पीपल टू वर्क इन ए डिजायर मैनर। यानी क्या है मोटिवेशन? क्या है? किसी कार्य को इच्छित तरीके से करने के लिए प्रेरित करना ही क्या कहलाता है, मोटिवेशन कहलाता है। इन परिभाषाओं का एनालिसिस करने के बाद निष्कर्ष परिभाषा ये निकलती है कि दैट मोटिवेशन इज एन इम्पोर्टेंट टास्क ऑफ मैनेजमेंट। किसका ये इम्पोर्टेंट पार्ट किसका है, या मैनेजमेंट का कौन जो प्रबंध है उसका प्रमुख कार्य भी क्या होता है, मोटिवेशन होता है। आपने पहले पढ़ा था नियोजन, संगठन, समन्वय, अभिप्रेरण और नियंत्रण, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डिसीजन और कंट्रोलिंग और मोटिवेशन, ये सब क्या है, प्रबंध के क्या है, पार्ट है, प्रबंध के कार्य है। विच स्टडी दैट द इमोशन, डिजायर, फीलिंग एंड नीड ऑफ एन इंडिविजुअल टू सेटिस्फाइड दैम सो दैट इंडिविजुअल वर्क विच फुल एफिशिएंसी टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। यानी इंपॉर्टेंट पार्ट है लेकिन इसके अंतर्गत इमोशनल डिजायर, फीलिंग और नीड, यानी उसकी इच्छा, भावना, आवश्यकताओं का क्या किया जाता है, उसकी क्या की जाती है, स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है और उन्हें क्या किया जाता है, सर्टिफाइड यानी संतुष्ट किया जाता है ताकि हम उसे क्या कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं कार्यों के प्रति, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, उसको क्या कर सकते हैं, हम अचीव कर सकते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मोटिवेशन जो है वो क्या है, एक इच्छा है, एक भावना है, एक आवश्यकता है, एक फीलिंग है, जिसमें क्या होता है, इनकी सबका अध्ययन किया जाता है और अध्ययन करने के बाद उन्हें सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट किया जाता है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है उनको हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन एक साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट है जिसके अंतर्गत कौन कार्य करता है, कर्मचारी कार्य करते हैं, एम्प्लॉय कार्य करते हैं और उन्हें उन विधियों से, यानी कार्य यानी विधि मतलब जो इमोशनल होते हैं उनके अकॉर्डिंग, जो शक्तियां होती है उसके अकॉर्डिंग उसे क्या करवाया जाता है, कार्य के प्रति प्रेरित करवाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं मोटिवेशन। ये हो गए आपके मोटिवेशन के मीनिंग और परिभाषा। आगे हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा की विशेषताएं। आठ दे रखिए आपको, उसमें सबसे पहला है कंटिन्यू प्रोसेस यानी सतत प्रक्रिया। कंटिन्यू प्रोसेस यानी ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन की जरूरत कंटिन्यू बेस पर होती है, लाइफ में हो या ऑर्गेनाइजेशन में। क्या होता है, जब किसी वर्कर्स को एक बार मोटिवेट कर दिया जाता है तो ऐसा नहीं होता है कि उसने एक साल या दो साल के लिए मोटिवेट हो गया, नहीं, उसे क्या करना पड़ेगा,
कंटिन्यू बेस पर क्या करना पड़ेगा, उसे मोटिवेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो गोल जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो गोल होते हैं उस गोल के अकॉर्डिंग उसे क्या करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। उस गोल को रिकवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी संस्था जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है उस गोल को हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो गोल, अगर हमें एक बार गोल को अचीव कर लिया तो उसके बाद मोटिवेशन करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि जब एक गोल हमारा, एक लक्ष्य पूरा हो जाता है तो पुनः क्या होता है, नया गोल भी प्रारंभ हो जाता है, तो उसके लिए वापस पुनः हमें क्या करना पड़ेगा, मोटिवेशन, मोटिवेट उसे करना पड़ेगा। तो इसलिए कहा गया कि मोटिवेशन में क्या होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस का होना आवश्यक है। क्लियर? सेकंड देखिए, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, यानी क्या है ये, मनोवैज्ञानिक। आपको मैंने अभी परिभाषा समझाई थी, उसमें भी बताई थी मैंने, मनोवैज्ञानिक धारणा है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं जो वर्कर्स है उसकी मेंटेलिटी को चेंज करना पड़ेगा, हमें वर्कर्स के माइंड तक जाना पड़ेगा, हमें उनके, हमें उन्हें फील करवाना पड़ेगा कि हम जो आपको, जो एक जो मैनेजर है या जो बॉस है जो आपको मोटिवेट कर रहा है वो आपके लिए, उसमें आपका प्रॉफिट है या प्रॉफिट है या भविष्य में आपको उससे क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। उन्हें ये फील करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है, ये साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट है। जब तक हम उसको, जब तक वो फील नहीं करेगा कि उसमें मेरा बेनिफिशियल है, मुझे बेनिफिट हो रहा है, तब तक वो उस टास्क में क्या करेगा, इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो एक मैनेजर, एक बॉस की ड्यूटी है कि वह उसे क्या करवाए, फील करवाए कि आप में इस, आगे इसमें आपको क्या है, प्रॉफिट मिलेगा, तभी वो क्या करेगा, उस कार्य के प्रति प्रेरित होगा, उस कार्य को वो पूरा करेगा। आगे है थर्ड हमारा है, सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड्स, यानी ये किसकी आवश्यकता है, मोटिवेशन मानवीय आवश्यकता है। यानी इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत किसी भी वर्कर्स को क्या किया जाता है, सेटिस्फाई किया जाता है। मोटिवेशन क्या करता है, सेटिस्फाइज करता है वर्कर्स को, ह्यूमन बीइंग को, हर व्यक्ति में, हर वर्कर्स में क्या होता है, डिजायर होता है, किसी में, सभी में क्या होता है, डिजायर होता है। तो ऐसी स्थिति में उस डिजायर को पूरा करने के लिए फुलफिल करता कौन है, एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर करता है या बॉस करता है। तो ऐसी स्थिति में हर ह्यूमन बीइंग का क्या होता है, डिजायर होता है, और उस डिजायर को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, मोटिवेशन किया जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जब वर्कर्स को मोटिवेशन किया जाता है तो उसके अंतर्गत जितनी कैपेसिटी होती है उससे वह ज़्यादा करने की क्या करता है, कैपेसिटी रखता है, यानी कोशिश करता है कि मेरे में जितनी कैपेसिटी है मैं उससे ज़्यादा करूँ। तो कैपेसिटी रखता है, तो मोटिवेशन क्या चाहिए, किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है, मैनेजर क्या करता है, उन्हें प्रोवाइड, मोटिवेशन क्या करता है, प्रोवाइड करता था, तो वो कहलाता है हमारा सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड। फोर्थ है एप्लीकेबल ऑन ह्यूमन रिसोर्स, यानी जो मोटिवेशन जो किया जाता है वो किसको किया जाता है, ह्यूमन बीइंग को किया जाता है। क्यों? ना तो ये किसी बर्ड्स को किया जाता है, ना एनिमल्स को किया जाता है, ना किसी मटेरियल को किया जाता है, किसको किया जाता है, ह्यूमन बीइंग को किया जाता है। और जो वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयर होते हैं और उनके अंदर जो भी मेंबर होते हैं उनको भी क्या किया जाता है, मोटिवेशन किया जाता है। तो कहा जाता है कि एप्लीकेबल ऑन ह्यूमन रिसोर्स। अगला है हमारा फिफ्थ, पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशन। मोटिवेशन कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे, जैसे हम किसी की कमी बताकर हम उसे क्या कर सकते हैं, मोटिवेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे एक टीचर क्या करता है, किसी स्टूडेंट की क्या बताता है, कमी बताकर उसको क्या कर सकता है, मोटिवेशन करता है। तो वो स्टूडेंट क्या करता है कि इस टीचर ने मेरी जो इंसल्ट करी है तो मैं उसको कुछ करके दिखाऊं। तो ऐसी स्थिति में वो क्या होता है, वहाँ पे मोटिवेशन होता है। यानी किसी व्यक्ति, यानी किसी स्टूडेंट को, उसी प्रकार ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत किसी वर्कर को क्या किया जा सकता है, उसको कमी बताकर उसको क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। पॉजिटिव यानी किसी की एफिशिएंसी बताकर,
यानी उसकी क्वालिटी बताकर, उसकी खूबियां बताकर क्या किया जाता है, उसकी सराहना करके हम उसे क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, तो वो कहलाता हमारा पॉजिटिव। तो मोटिवेशन कैसा होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगला है हमारा सिक्स है, प्रोड्यूसेस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। यानी संगठन में मैनेजर का मोटिवेशन करना ताकि जो गोल है, उस जो गोल हमारा जो सेट है, उसकी ओर हम उसे क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे एक टीचर क्या करता है, आपको मोटिवेट करता है क्यों करता है, ताकि आपके जो एनुअल एग्जाम है या बोर्ड एग्जाम है उसमें आप क्या कर सकते हो, अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हो। तो ओरिएंटेड बिहेवियर यानी ओरिएंटेड यानी गोल जो है उसका मतलब क्या होगा कि आपको अच्छे परसेंटेज लाने हैं, तो वो कहलाता है हमारा प्रोड्यूसर गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। अगला है, यानी कहने का मतलब इसे आप ये भी कह सकते हो, जो भी आपको भी है, मतलब जो भी आपको चीज देता है, गोल बताता है, उस गोल को कौन बताएगा, आपके मैनेजर या आपके बॉस। जिस प्रकार टीचर क्या करता है आपको, या तो आपके टीचर या फैकल्टी जो भी होते हैं वो सब आपको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उसी प्रकार ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत भी कौन करता है, एक मैनेजर करता है। एनर्जाइज फोर्स यानी मोटिवेशन क्या करता है, एनर्जाइज फोर्स करता है, यानी एनर्जाइज प्रोवाइड करता है। कैसे करता है कि जब आपको लगता है कि मेरे में एनर्जी है, मैं उस काम को कर सकता हूँ, जो भी टास्क है उस टास्क को मैं पूरा कर सकता हूँ, तो आप में एनर्जी होगी कि जब तक मैं इस काम को पूरा नहीं करूँगा, या जब तक मैं इस काम को पूरा नहीं करूँगा तब तक मैं इस जब तक इस गोल को पूरा नहीं करता हूँ, जो भी मेरा टास्क है उसको पूरा नहीं करता हूँ, वो मैं उस काम को नहीं छोड़ूंगा, तो वो कहलाता है, चाहे वो एक घंटे में करो, एक महीने में करो, या एक दिन में करो, तो वो कहलाता है आपका एनर्जाइज फोर्स। लास्ट है आपका डिफरेंट फॉर्म मॉरल। मॉरल क्या है, मॉरल इज कॉन्फिडेंस। मॉरल क्या है, कॉन्फिडेंस है। और मोटिवेशन जो है वो किससे डिफरेंट है, मॉरल से डिफरेंट है। कॉन्फिडेंस की बात करें तो ऐसा है कि इसको वेरियस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम बूस्टअप कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब मोटिवेशन तो किसके पीछे है, आपके गोल के पीछे है, जो कौन करता है आपको, आपके मैनेजर या आपके बॉस करता है। और कॉन्फिडेंस जो होता है वह किसी चीज को लेकर क्या करता है, बूस्टअप करता है। तो कॉन्फिडेंस और मॉरल क्या है, सॉरी मोटिवेशन और मॉरल क्या है, दोनों डिफरेंट है। यानी कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ क्या होना चाहिए, मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है। तो ये क्या है, हमारे कैरेक्टरिस्टिक है मोटिवेशन के। आपको ये जो ब्लैक बोर्ड में मैंने जो बताया है नोट्स, वो आपको अपनी CW कॉपी में कंप्लीट करने हैं। धन्यवाद।